I think I'm live. Hi everyone. This is Monica Vedi and welcome to An Academy J YouTube channel. I think I'm live. Please confirm me in the chat box if I'm audible and visible. kar do se. Okay, so I think yes, I'm live. Alright. Just a second, just a second, just a second. Hmm. ओके सो आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स ओवर हेयर एंड बच्चों फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ माई नि वेद केमिस्ट्री एडुकेटर ऑन दिस चैनल आई एम आल्सो अमंग टॉप एडुकेटर्स एन एडमी बच्चों ये वो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है अपनी मेहनत से अपने प्रयास से अपने पेशेंस से अपने काम से और अपने काम से यानी अपने मेंटल पीस के साथ जो इन्होंने एक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की है तब ये इस मुकाम पे हैं और मैं ज़रूर चाहती हूं कि आप भी इस मुकाम पे पहुंचे लेकिन उसके लिए आपको हर वक्त अपना एक मेंटल पीस बना के रखना पड़ेगा और जो मूड फ्लक्चुएशन आती हैं आज पढ़ना है आज नहीं पढ़ना है आज सेशन अटेंड करना है आज नहीं करना है आज डी लगानी है आज नहीं लगानी है ये नहीं करना हमको हमको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है ये जिंदगी के वो दो साल हैं जो आपको कहाँ पहुंचा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते इसके लिए आपको ये दो साल देने पड़ेंगे ये जो मैं तुम्हें बता दूं अगर एक बार आईआईटी में हो गया एक बार तुम आईआईटी से ग्रेजुएट हो गए तो दुनिया के सबसे छोटे टाइम स्पैन में सबसे बेहतरीन करियर बनाने वाले लोगों में से हो जाओगे ठीक है डॉक्टर भी बनते हैं ना तो डॉक्टर्स का करियर तो बनते बनते बूढ़े हो जाते हैं डॉक्टर्स वैसे देखो मैं किसी भी प्रोफेशन पे कमेंट नहीं करूंगी अगर डॉक्टर्स को इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़े तो वो तो ह्यूमन बॉडी के साथ में मतलब काम करते हैं तो सब हर प्रोफेशन की अपनी अपनी जरूरत है बट सबसे कम समय में सक्सेसफुल करियर बनाने वाले लोग होते हैं IATians, तो क्या आप आई बनना चाहते हैं यस और नो इन द कमेंट बॉक्स क्विकली जल्दी से और उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बेटा मुश्किल है इसलिए वैल्यूएबल है और वैल्यूएबल है इसलिए हम करेंगे हम उन मुश्किल रास्तों को भी तय करेंगे साथ ही मैं बता दूं बिटो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो तो बहुत शानदार बात बता रही हूं जून थर्टीन से फिफ्टीन आज पंद्रह जून ही तो है हमारे एक बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है जिसमें एक साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो आपको सिक्स मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ वन ईयर के कॉस्टिंग में मिल जाएगा एंड उड़ान से आपको टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्ट तो कल का इंतजार नहीं करें ये बहुत जबरदस्त ऑफर है अगर आप कल लेंगे तो आपको डेढ़ या दो साल का लेना पड़ेगा क्योंकि आप दो साल तो हमसे जुड़े रहेंगे ना लेकिन आज लेंगे तो एक ही साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे और डेढ़ साल का मिल जाएगा तो बहुत बेहतरीन ऑफर है बेटा ये आपको जरूर भुनाना है ठीक है सही टाइम पे सही फैसला लेने वाला ही सही इंसान होता है तो चलिए एनीवेज स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड जल्दी से, से सेशन को शेयर करेंगे मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिंस अंसारी आदित्य तिवारी हाय बेटा थैंक यू सो मच बेटा गॉड ब्लेस यू हाय अमन जस्ट अ सेकंड ना ये एसी जो है ना ये गर्मी कर रहा है हम्म ओके और देंगे यस हाय अंशिका तो चलो जी स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट होने से पहले ही बढ़िया से लाइक्स कर दो यार है ना और प्यारी सी स्माइल दे दो चैट बॉक्स में दो काम कर दो शुभारंभ अच्छा होना चाहिए है ना शुभारंभ अच्छा होना चाहिए एक तो सेशन को लाइक कर दो दूसरे एक प्यारी सी मुस्कान दे दो ठीक है देखो आप लंबे लंबे मैसेजेस लिख रहे हो आ गई है हाय चलो 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 लेट्स गेट स्टार्टेड विद एटॉमिक स्ट्रक्चर यार परमाणु सुना है परमाणु परमाणु बॉम्ब सुना है एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब की तरह पढ़ने वाले हैं अपन इस चैप्टर को बेटा एक फ्लो रखेंगे एक फ्लो वी विल कीप अ फ्लो इन दिस चैप्टर कि पहले हम डिस्कवरी की बात करेंगे कि आज हम बहुत कुछ जानते हैं एटम्स के बारे में लेकिन आपके जेई के सिलेबस में डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कई बार बच्चों से नहीं बनते क्योंकि डिस्कवरी को बच्चे हल्के में ले लेते हैं तो हम उसे हल्के में नहीं लेने वाले बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आएगा डेल्टन मॉडल मीन इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन पर जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे उसको भी बड़े मस्त अंदाज से हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन मॉडल एंड रादाफोर्ड मॉडल तो यह आज का कंटेंट होगा और अगली क्लास में तुम क्योंकि शुरुआत में मैक्सिमम बच्चे बैठे होते हैं मैं सबको बोल दूँ अगली

नहीं के लिए जैसे अभी कोविड हुआ था ना सिम्टोमैटिक ए सिम्टोमैटिक वो वाला कोविड जिसमें सिम्टम्स आते हैं सिम्टोमैटिक जिसमें सिम्टम्स नहीं आते ए सिम्टोमैटिक तो ए का मतलब होता है नहीं ठीक है तो यहां पर जो एटम की डिस्कवरी हुई थी उस समय एटम को क्या माना गया था डिविजिबल नहीं है डिविजिबल नहीं है और इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया गया था बेटू एटम तो एटम इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है इनडिविजिबल पढ़ना जरूरी है कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई है ठीक है तो सबसे पहले जो पायनियर थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ कहा था वो थे डाल्टन डाल्टन थ्योरी आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे तो मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाने वाली हूं मैं आई विल कीप इट शॉर्ट कि इन्होंने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर मैटर का सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल कहलाता है एटम इसको आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ऐसा इन्होंने कहा एटम सेम एलिमेंट का सिमिलर मास इन कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट मास इन कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं तो काफी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इन्होंने ये सब कहा ठीक है अब इनकी जो थ्योरी उसकी डीमेरिट्स क्या थी एटॉमिक वेट के कोई अत्य पते नहीं थे क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं क्या जरूरत होती है उनके कॉम्बिनेशन के कोई अत्य पते नहीं थे तो यहां पर डाल्टन की थ्योरी जो है वो फ्लॉफुल uh, हो गई थी कि वो काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बेटा ऐसे तो हम आज की डेट में भी कितनी चीज़ों को हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना वो हम जानते हैं तो हर थ्योरी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे अनसक्सेसफुल होती है थोड़े दिनों बाद सक्सेसफुल हो जाती है आप बहुत पुरानी बात ले लो जब बहुत ही पहले के समय की बात कर रही हूँ स्मॉल पॉक्स नाम से आया था ना स्मॉल पॉक्स वगैरह वो फैलती थी तो लोग डर जाते थे इतनी इतनी डेथ वगैरह रिपोर्टेड है इन इन बीमारियों से टाइफॉइड स्मॉल पॉक्स अभी क्या हुआ वैक्सीनेट कराते हैं सब ठीक तो अभी कोविड आया कोविड की दो साल से कंट्रीज इतनी जंग लड़ रही है कि कौन दवाई पहले बनाएगा कितना डरे हैं हम और डरे क्यों ना इतने लोगों का मतलब बहुत गड़बड़ हुई कोविड में लेकिन फिर कोविड की वैक्सीन बननी शुरू हो गई अब डर भी खत्म होता जा रहा है तो, तो मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई करनी पड़ती है और वही है, है कि हम हाँ आज इस स्टेज पे पहुंचे तो डाल्टन की थ्योरी तो भाई साहब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मीन कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैथोड रेज रेज सुना है कॉमेंट बॉक्स हाँ डोरेमोन को कहां से ढूंढे कैथोड रेज के बारे में कौन कौन जानता है क्योंकि ये इसको हर ज्यादा से टीचर्स टरका देते हैं अरे ऐसे होता है वैसे होता है लेकिन अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं सेशन को लाइक भी कर दो यार कौन है ये लोग जो सेशन को नहीं लाइक कर रहे हैं? है ना हाँ सुना हुआ है ओके तो सुनिएगा बताइएगा आपको कितना कितना पता है जब कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी तो उस समय इन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे हम उसके बारे में बात करते हैं इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें ये दो इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए एक था कैथोड नेगेटिवली चार्ज एनोड पॉजिटिवली चार्ज अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किए वो ये किए थे कि इसमें कुछ कुछ गैसेस रखीं और ये वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया और वो गैस को आ, वैक्यूलेट करने के लिए ठीक है कि गैस को कम करते चले जाएंगे लेटर ऑन इनको लगा कि यार अगर बिल्कुल ही गैस हम निकाल देते हैं यानी वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो अनहिंडर्ड रिजल्ट आएगा तो इन्होंने वैसा किया अब व्हाट दे फाउंड आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल विजुअल फॉर यू ये एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनको पता क्या चला उन्हें पता चला कि जब इसमें बहुत हाई वोल्टेज रखा गया और वैक्यूम या फिर बहुत लो प्रेशर रखा गया तो एक बीम थी एक बीम थी जो किस तरफ बढ़ रही थी कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रही थी इनको स्टडी करना था कि यार किस चीज की बीम है ये वॉट इज इट ऑल अबाउट क्या बढ़ रहा है ये यहां से यहां तक तो मैं ये पैराग्राफ आपके लिए पढ़ूंगी एनसीईआरटी का पैराग्राफ है

ठीक है और प्रेशर दे टू द प्रेशर लो और एल्स वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं अब अब इन्हीं को क्या बोला गया कैथोड रेज बोला गया या कैथोड रे पार्टिकल्स बोला गया लर्न साथ साथ करवाऊंगी बॉक्स में भी पूछूंगी भी सही बहुत चीजें लर्न करने की फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोडर्दर चेक अ होल इसमें छेद कर दिया और छेद के पीछे लगा दिया फॉस्फोरस इन मटीरियल जैसे कि जिंक सल्फाइड भाई कोई चीज ट्रेवल करके आई आइए कांच थोड़ी चमक जाएगा उससे तो कोई ना कोई तुमको मटीरियल पड़ेगा जिसका नेचर होगा ये नेचर का जिसपे अगर कोई बीम गिरेगी तो वो चमकेगी जो कि हमारे तुम्हें पता हो तो टीवी में भी होती है टीवी में भी फॉस्फोरस इन मटीरियल होते हैं तभी तो उसके ऊपर जो बीम गिरती है तो वो टीवी टेलीविजन चमकता है ऐसे कांच के टुकड़े पे तो हम टीवी नहीं देख सकते है ना उसके पीछे मटीरियल ऐसे कोटेड होता है तो ये मटीरियल ने यहां पे भी कोटिंग की ताकि हम उस बात का सबूत दे सके कि

वैक्यूम के अंदर और हाई वोल्टेज के अंदर ये बीम निकल के आ रही है जो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है बहुत हल्के वेट के पंखे को ये चला सकती है ये बीम

और यहाँ पे जो कैथोड मटेरियल है उसमें से कुछ उखड़ के निकल रहा है और जिसके लिए हाई एनर्जी की जरूरत है और वो क्या है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब ये एक मेटालिक चीज है मेटल है जिसमें एनर्जी डाल के आप इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की गिरफ्त से छुड़ा के बाहर ला रहे हैं जैसे बहुत सारे गंजे हो जिन्होंने विग पहन रखी हो तेज तूफान चले खूब तेज तूफान सारे गंजों की विग उड़ जाए ऐसा ही तो कुछ है ये इलेक्ट्रॉन्स लेकिन अगर तूफान नहीं चलेगा तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो गंजे थे उन्होंने पहनी हुई थी ठीक है तो हमने हाई एनर्जी क्यों दी डिड वी पुट वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई वोल्टेज क्यों रखी हमने क्योंकि अगर आप हाई वोल्टेज नहीं रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन उखड़ेंगे कैसे उनको तो न्यूक्लियस चक्कर कटा रहे ना अपने आसपास तो बहुत तेज तूफान आएगा तभी तो किसी की, की तब तो ना तू तो गंजा है तुम तो विक पहनी हुई थी हमें तो पता ही नहीं लगाते रहते सिल्की बढ़िया बाल है तो इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने के लिए क्या किया गया हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया लो प्रेशर क्यों अप्लाई किया गया लो प्रेशर क्यों अप्लाई किया गया या वैक्यूम क्यों अप्लाई किया ताकि हिंड्रेंस नहीं आए इंटरफेरेंस नहीं हो रिजल्ट्स के साथ और इस विजुअल को देख के हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता लग रही है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और थोड़ा सा मैकेनिकल इफेक्ट होता है जिससे वो हल्के वेट के पंखे को घुमा सकता है इस विजुअल को देख के हमें ये 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 पता लगता है है कि ये जो बीम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इस विजुअल को देख इसके बेटू हमें ये भी पता लगता है कि इसका खुद का चार्ज नेगेटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूम रही है और इसी विजुअल को देख के हमें ये भी पता लगता है मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होता है फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पता लगा कि यार चार्ज तो है कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है कैसा इफेक्ट है इसका मैकेनिकल इफेक्ट है और इन्हीं का नाम क्या दिया गया कैथोड रेस दिया गया तो यहां तक सबको क्लियर हुआ यहां तक सबको क्लियर हुआ हाँ तो देखो अब हम ये एनसीआरटी का स्निप है वैसे इसको पढ़ोगे ना सीधा तो ये इतना पकाऊ लगेगा बोर लगेगा मतलब तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले ना के फीलिंग आती है लेकिन हमें ये पढ़ने हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं जेई में और नेक्स्ट वाली क्लास में मैं जेई के क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि इनमें से बने हुए हैं और परसों वाली क्लास में से भी बने हुए हैं तो बेटा अब तुम्हें मुझे लग रहा है तुम्हें आता है अब ये पूरा पैराग्राफ तुम पढ़ोगे और तुमको लगेगा मैम ये तो हमको आता है चेक करते हैं चलो लेटेस्ट चेक कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स टूवर्ड्स नोड यस उखड़ेक्ट्रॉन्ड तो उखड़े रेसिंग so you know करते जाएगा दीज रेज सेल्स आर नोट विजिबल ये खुद विजिबल नहीं होती है लेकिन इनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है हाँ बेटा ये दिखती नहीं है अगर दिखती होती तो हमको ना इधर फॉस्फोरस एंड मटीरियल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये दिखती दिख जाती ना उनको तो ये मटेरियल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो ये दिखती नहीं है इनको देख इनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है कि मुड़ रही है आ, यार भूतों वाले भूत थोड़ी ना दिखते हैं भूत दिखते हैं क्या भूतों के बारे में हम कहानियाँ सुनते हैं तो क्या बोल दूंगा बिहेवियर तो किसी को रैपटे ठुकर धार 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 लेकिन भूत तो दिखता ही नहीं है रैप्टेड रेपिडी कोई फिक्र है इधर से उधर उधर से उधर भूतों का भी, भी बिहेवियर नजर आता है तो वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या बिहेवियर आप देख सकते हो खुद नहीं दिखती है ये ठीक है तो ये खुद विजिबल नहीं है बट देर बिहेवियर कैन बी बब्जर्व विद सर्टन ऑफ मटी जैसे ये या फ्लोरोसेंट मेटर लगा ना मैंने जिंक सल्फाइड का जिसपे वो गिरी तो वो चमका तो वो देख सकते हो तुम उस बीम को नहीं देख सकते हो समझ में आता जा रहा है करते जाओ जो कि ग्लो कर जाएगा इनके हिट करने से टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स भी कहते ट्यूब्स ही होती हैं

तो इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं इसलिए कैथोड रेज का जो बिहेवियर इसकी जो कैरेक्ट्रिस्टिक्स है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कैथोड मटेरियल कौन सा ले रहे हो ये मैं पूछूंगी थोड़ी देर में कि कैथोड रेज आपने कैथोड का मटेरियल चेंज कर दिया तो कैथोड रेज का कैरेक्टरिस्टिक बदलेगा क्या आपका जवाब होना चाहिए नहीं बदलेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन हमेशा एक से होते हैं एक सास्ज एक सा चार्ज एक सी कैरेक्टरिस्टिक

फास्ट मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं बिल्कुल हमें पता है और रिफ्लेक्शन शो करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल हमें पता है स्टार्ट फ्रॉम कैथोड और जाती है किसकी तरफ एनोड की तरफ बिल्कुल हमें पता है बाइ चेंगे इलेक्ट्रोड मटीरियल या अगर तुम गैस बदल दो इससे इन इन रेज के बिहेवियर में इनके कैरेक्ट्रिस्टिक में कोई भी बदलाव नहीं आता है ये भी हमको पता है ठीक है देर विलॉस्टीज चेंज विथ अपलाइड वोल्टेज ये तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद समझ में आएगा कि तुम वोल्टेज अगर चेंज करते हो तुम यार नहीं ये तुम्हें अभी बता दूंगी मैं ज अभी मैंने तुम्हें क्या एग्जाम्पल दिया था गंजों के सिर से विग उड़ रही है तेज तूफान आएगा तो विग बहुत दूर जाके गिर जाएगी बहुत दूर जाके गिर जाएगी गंजा पीछे दौड़ेगा और अगर हल्का तूफान है कि वो उखड़ तो गई लेकिन उखड़ के हो सकते यहीं गिर जाए तो वेलॉस्टी बात पर निर्भर करती है कि तूफान कितना तेज था वेलोसिटी इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितनी एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन को उखाड़ रहे थे अगर आपने बहुत ही ज्यादा एनर्जी से उखाड़ा तो सर रेपा खा तो धर 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 करता तेज वेलोसिटी से निकल के गया तो वेलोसिटी इस बात पे निर्भर करती है कि आपने इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने के लिए जो एनर्जी यूज की थी वो कितनी ज्यादा थी अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करती है ठीक है दे पेनिट्रेट थ्रू द मेटल्स एंड अदर सब्सटेंसेस ऑप्सटिकल प्लेस इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज थोड़ा हीटेड अप हो जाता है जिससे हमें पता लगता है कि कैथोड रेज में हीटिंग इफेक्ट भी होता है ठीक है और लाइट पैडल को ये रोटेट कर सकते हैं जिससे हमें पता लगता है कि इनका थोड़ा सा मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है कैथोड रेज के बारे में लिखना शुरू करो प्रॉपर्टीज कॉमेंट बॉक्स में और मैं तुम्हारे नाम के साथ पढ़ूंगी कि क्या क्या तुमको याद है ठीक है शाउट आउट करूंगी मैं कनेक्टिंग रहेंगे अपन क्योंकि क्लास में ये चीजें याद कर लेनी है हम्म अभी ऑर्बिटल्स पे कहा आ गए शवन बेटा मैं एक्टिवा चला रही हूँ तुम आया अबू लेके आगे आगे दौड़ रहे हो गिर जाओगे आगे ऑर्बिटल की तो कोई बात ही नहीं हुई अभी तक हाँ बताइए आपको क्या क्या पता है जो जो आपको पता है वो आप बताइए क्योंकि मैं आपके नाम के साथ शाउट आउट करूंगी मुझे भी पता लगेगा मेरी क्लास में कौन कौन बच्चे बैठे हैं थैंक यू आदित्य तिवारी थैंक यू सो मच बिटू हाँ देखो जैसे सुमेश पाटिल ने बताया थे मूव फ्रॉम कैथोड टू एन ओड और कौन क्या क्या बता रहा है जानवी शर्मा कह रही कि कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सुमेश पाटिल ये भी कह रहे हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं थैंक यू कृष्णा थैंक यू सो मच मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है इनकी अंजलि गिल कह रही है कि इनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है और ये लाइट व्हील के पैडल को रोटेट कर सकते हैं उसके अलावा प्रेम कुमार कह रहे हैं नाम अच्छा है, ना, है तुम्हारा प्रेम कुमार प्रेम कुमार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इट इज चार्ज एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज एंड ठीक है मस्त है पीयूष पठानिया कह रहे हैं मैकेनिकल इफेक्ट होता है आदित्य जैन कह रहे हैं नेगेटिवली चार्ज होता है चंद्रकांत मेहता ने डिफरेंट बात बोली इनका हीटिंग इफेक्ट भी होता है जो कि सुदीप्ति भी बोल रही है और उसके अलावा तो मेरे बच्चों को सब याद हो गया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हाँ तीर्थ पटेल वेरी गुड फास्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स श्रद्धा सिंह वेरी गुड कैथोड रेज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एंडा चैटर्जी वेरी नाइस वेरी नाइस nice. तो मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चों को कैथोड रेस के बारे में थैंक यू सोम्या बिट्टू कैथोड रेस के बारे में अभी सबको पता है चलो बढ़ते हैं आगे टॉपिक थोड़ा बोरिंग है इसलिए ऐसे फनी फनी एग्जाम्पल देके पढ़ा रही हूं ताकि पता भी नहीं चले कि कब याद हो जाए तो अब नेक्स्ट आता है जो थॉमसन ने किया था चार्ज टू मास रेशियो इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए थे चार्ज टू मास रेशियो इस तरीके से इन्होंने सेटअप किया था जिसमें निकाला था तो बेसिकली इन्होंने कैसे निकाला होगा मास इसके डेविएशन से क्योंकि अगर हल्का पार्टिकल है तो वो ज्यादा डेविएट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में भारी पार्टिकल होगा तो लेस डेविएशन शो करेगा आगे हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारी होता है भारी होता है तो लेस डेविएशन शो करता है हल्का होता है तो ज्यादा डेविएशन शो करता है तो इस तरीके से इस सेटअप के बेसिस पे इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मिलकन का ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स में आता है एक्सपेरिमेंट मिल्कन ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपने नाम जरूर सुना होगा केमिस्ट्री में इसका बहुत रेलिवेंस नहीं है पर इसके थ्रू इन्होंने क्या निकाल दिया इलेक्ट्रॉन

9.1 माइनस थर्टी वन के जी क्विकली नोट डाउन चार्ज एंड मास इलेक्ट्रॉन इन योर कॉपी एंड ट्राई टू मेमोराइज इट बिकॉज आई एम गोइंग टू एस दिस इन द कमेंट बॉक्स मैं भी पूछने वाली हूँ ठीक है तो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की चार एंड नाइन पॉइंट वन इंट की पार माइनस के जी इज द मस क्विकली नोट डाउन इफ यू नोटेड डाउन जिसमें थम्सअप मैमस्ट्री इज इंप्रूड बिकॉज ऑफ यूर थैंक यू सो मच जानवी बिट्टू मैं मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए मैं अपना नहीं प्रमोट कर पा रही तेरा कैसे प्रमोट करूंगी बेटा नोट कर लिया सबने वेरी गुड आनंदा वेरी गुड वेरी गुड सबने नोट कर लिया शाबाश ना? बेटा एक सेकेंड तुमको रुकना पड़ेगा एक सेकेंड है ना एक सेकेंड कुछ यहां काम आ गया है तुम बने रहो मैं बच्चों एक मिनट कुछ काम आ गया तुम कॉन्सेप्ट रिवाइज करो उसका चार्ज और मास याद करो है ना आ गई मैं वापस क्या हो गया ये सब बच्चों में क्या हो गया ये What has happened? What is happening? आ गई मैं <laughs> चलो 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 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वन ये चार सबको याद हो गया माँच सबको याद हो गया फटाफट से बता दो <laughs> नमन तू बहुत तेज है बेटा तू बहुत तेज है ठीक <laughs> है चलो एनी वेज बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हमारा एनोड रेज एनोड रेज पे आगे बढ़ते हैं एनोड रेज एक्सपेरिमेंट करते हैं अब एनोड रेज में देखो क्या हुआ है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट जो किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था वही सेम वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब लिए लेकिन तुम सोचो कि यार अगर आ, किसी भी एलिमेंट में से चाहे वो सॉलिड हो या गैस हो इलेक्ट्रॉन्स उखाड़ दिए जाएंगे तो पीछे कुछ बचेगा ना पीछे कुछ बचेगा वो आयन होगा चार्ज स्पीशीज होंगी क्या होगा वो वो आयन होगा ठीक है अगर आप कुछ उखाड़ दोगे हाँ तो कुछ बचेगा वो क्या होंगे वो चार्ज स्पीशीज होंगी वो आयन होगा इलेक्ट्रॉन गए तो आयन बचे जैसे सोडियम है सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन उखाड़ोगे 281 उसका कॉन्फिगरेशन था तो सोडियम आयन बच जाएगा Na+ अब अगर तुम कोई हिलियम गैस ले लो या कोई और गैस ले लो कोई सी भी ले लो इलेक्ट्रॉन उखाड़ देने के बाद क्या बचता है वो तो उस गैस पे निर्भर करता है ना तो अब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं गोल्डस्टीन ने उसकी स्टडी करी डिस्चार्ज ट्यूब ली डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद में इसमें क्या भर दिया इसके अंदर इसने गैस भर दी ठीक है तो जब इस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेवरल थाउजेंड वोल्ट का अप्लाई किया गया इसमें भी वही एनोड था इसमें भी वही कैथोड था लेकिन कैथोड में छेद थे

इलेक्ट्रॉन ने इनके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हिट करके अपनी एनर्जी जो है वो वो दे करके अब अब कुछ कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज चीजें बचेंगी देखो घुस ये चार्ज छेद में से निकल रहा है और इस तरफ बढ़ रहा है ये देखो मैं फिर से इस एक्सपेरिमेंट को समझाऊंगी क्योंकि इसको आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि किताबों में और नोट्स में तो आपने इसको इग्नोर ही करना है तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो ये डिस्चार्ज ट्यूब है ये कैथोड है कैथोड में छेद है अब आप इस पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन उखड़ते हैं जैसे बहुत तूफान में गंजों की भी गुड़ जाती है ऐसे ही बहुत तेज वोल्टेज अप्लाई करने पे इस कैथोड में से क्या होता है इलेक्ट्रॉन उखड़ते हैं अब जब ये इलेक्ट्रॉन उखड़ते हैं इस गैस से टकराते हैं गैस न्यूट्रल है गैस के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं। तो जब इस गैस से ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो अपनी एनर्जी इनको देते हैं ना केवल खुद वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ बढ़ रहे हैं खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही जाएंगे उसके अलावा

इनको एनोड रेस बोला गया ये एनोड में से नहीं निकली हैं इनका मूवमेंट ऐसा है कि ये एनोड टू तो कैथोड बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जब कैथोड से एनोड जा रही थी हमने उसको कैथोड रेस बोला था ये एनोड से कैथोड जा रही हम इनको एनोड रेस बोल रहे हैं बच्चों समझ में आई बात एनोड जो में भरी हुई है जिसको आयोनाइज कर दिया गया, जिसका इलेक्ट्रॉन उखाड़ लिया गया है अब वो गैस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस में तब्दील हो चुकी है और वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस कहां बढ़ रहे हैं है। नेगेटिवली चार्ज क्या बोला रेज बोला इज दैट क्लियर एवरीवन समझ में आया समझ में आया कि एनोड रेज हमने किसको बोला तो दीज रेज रेज वर बीम ऑफ पार्टिकल्स जो कि कैथोड से उल्टे डायरेक्शन में बह रही थी ठीक है उल्टे डायरेक्शन में बह रही थी और फिर बहकर के तरफ जा रही थी वो, वो कैथोड की तरफ जा रही थी एनोड से ऐसा लग रहा था जैसे एनोड टू कैथोड मूवमेंट है तो नाम हमने क्या कर दिया एनोड रेज कर दिया गोल्डस्टीन कॉल दीज पॉजिटिव रेज को चैनल रेज या केनाल रेज बोला क्योंकि दे वर प्रोड्यूस्ड बाय द होल्स और चैनल्स इन द कैथोड इनका जो स्टडी किया गया वो इस छेद में से निकलने के बाद यहां स्टडी हो रहा है छेद में से पार हो रही है तो इसलिए उनको क्या बोला कैनाल रेस तो कैनाल रेस हम किनको बोलते हैं एनोड रेस को नाम याद रख लो लिख लो कई शॉर्ट में कैनाल रेस हम किसको बोलते हैं है? मैम ये काम क्या आर्यन पाटनी टीवी देखते हो बेटा टीवी टेलीविजन की स्क्रीन के पीछे फॉस्फरस इन मटीरियल होते हैं जिन पे ये रेस पड़ती है तब वो चमकता है टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है पढ़नी पड़ेगी ना ऐसे घर बैठे बैठे टीवी सीरियल देख करके ये सब देख के मजे बहुत ले लेते हो लेकिन पीछे की साइंस होती है प्रॉपर ये ठीक है अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो एनोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है अनलाइक कैथोड रेस कैथोड रेस अनलाइक कैथोड रेस से ये प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही Mass of कौन सी गिपेंड करता है यार ऐसा क्यों हुआ की जो आपकी कैथोड रेस तो थी उन वो तो इंडिपेंडेंट थी उनका तो फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सा कैथोड कौन सी गैस है लेकिन जो अनोड रेज है जो केनाल रेज है ये गैस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं इनका मास ऐसा क्यों हो रहा है यार कौन बताएगा मुझे चैटबॉक्स में कौन बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है बेटा ये गोल्डस्टीन ने गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं हाय रवीना रावत देखो आर्यन पाटनी कह रहा है होल्स की वजह से एज द द हिट इलेक्ट्रॉन उमेश पाटिल कह रहा है दर्शना कह रही है टेकन फ्रॉम गैस दर्शना थोड़ी काफी क्लोज है सही आंसर के ड्यू टू वेरी इन द मास प्रभाकर प्रियांशु कह रहे हैं श्रद्धा कह रही है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास तो कॉन्स्टेंट होता है बिल्कुल बेटू एक बात बताओ सब बच्चे अपना अलग अलग अपने क्या क्या आंसर दिए जा रहे हो यार कैथोड रेस तो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है राइट कैथोड रेस क्या होती है कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन की बीम होती है

अब हीलियम का इलेक्ट्रॉन खाड़ोगे तो एच प्लस बचेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खाड़ोगे तो एच प्लस बचेगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खाड़ोगे तो ओ प्लस बचेगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन खाड़ोगे तो एन प्लस बचेगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन जो बच गया वो तो अलग होगा ना डिपेंडिंग अपॉन की तुम कौन सी गैस ले रहे हो यार विगे सारी उड़ गई गंजों की शक्लें तो अलग अलग हैं आज बहुत सारे एक पूरी फौज है पंद्रह बीस लोगों की जिनकी सबकी विगे उड़ गई तो विघो में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते शक्लों में तो कर सकते हैं बेसिकली नोड रेज गैस डिपेंडेंट होते कि कौन सी गैस को आप आयोनाइज कर रहे हो क्योंकि वाइल डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट आप किसी ना किसी गैस को आयोनाइज करते हो देखिए जरा देखिए मैंने आपको विजुअल में भी दिखाया था है। अब यार इसका मतलब एनोड रेज का मास क्या होगा पहली बात तो देखो कैथोड रेस से वजनी ज्यादा होंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं और बचा हुआ मसाला ज्यादा हेवी होता है ठीक है तो पहली बात तो इनका मास जो है वो कैथोड रेस से ज्यादा होगा कैनाल रेज का दूसरी बात ये इनका मास गैस टू तो गैस वेरी भी करेगा एक तो ज्यादा भी होगा और वेरी भी करेगा ये पॉइंट सबको क्लियर है ज्यादा भी होगा और वेरी भी करेगा दे आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आय इज द्लियर एवरी वन यू कैन गिव मी थम्स अप इन द कॉमेंट बॉक्स है ना आगे बढ़ते हैं द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द अपने ना दमेंट बॉक्स में बहुत कॉमन आदत है मैम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाएगी है ना धीरे धीरे गाड़ी चला रही है थोड़ी सी मैम तेज होएगी तो कॉमेंट बॉक्स मैम बहुत स्पीड से आ रहा है लेक्चर मैम बहुत स्पीड से आ धीरे पढ़ाओ धीरे पढ़ाओ और अगर मन धीरे धीरे प्यार से एक एक चीज पढ़ा रही है हर चीज लर्न भी करवा रही है बोरिंग लेक्चर करवा रही है बोरिंग लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही है तो आगे आगे हयाभूसा लेके दौड़ रहे हैं वो क्या होगा सब एटॉमिक पार्टिकल आधे बच्चे तो सब एटॉमिक पार्टिकल पे पहुंच गए मतलब मेरा विमान तो अभी रनवे पे पड़ा हुआ है ये आधे से ज्यादा बच्चे टेक ऑफ कर चुके हैं तो भाई मेरे साथ चलो ना मेरे को क्या को छोड़ के जा रहे हो पीछे है ना साथ साथ चलो सब बताऊंगी सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह सब आएगा वक्त आने पाएगा बीच में सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कस करने लग जाए बीच में एक तो मोल कॉन्सेप्ट की बात लेकर जा रहा है मतलब मूल कॉन्सेप्ट लेके बैठे यार एक टॉपिक को ढंग से पढ़ लो यही कमी होती है हम जिस टॉपिक को जो पढ़ाया जाता है तब नहीं फोकस करते इसलिए हमें उसके सवाल नहीं लगते फिर हमसे प्रॉब्लम आती है ठीक है तो द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो गैस पे निर्भर करता है क्योंकि इनका मास प्रॉपरली गैस पे निर्भर करता है

सिर्फ ऑपोजिट होता है ठीक है बिहेवियर ऑफ दीस पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होता है टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन या कैथोड क्योंकि चार्ज ही उल्टा है ना इनका तो बिहेवियर भी उल्टा होता है तो कैनोल रे, कैनोड रेज सॉरी कैनाल रेज और एनोड रेज भी जिनको हम बोलते हैं तो यहां से प्रोटॉन की डिस्कवरी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है तो दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज या इनको हम क्या कह सकते हैं कैनाल रेज बोल सकते हैं जेजे थॉमसन मेजर मेजर्ड चार्ज टू मास टूमास जेजे थॉमसन चार्ज टू मास रेशियो बहुत शानदार मेजर किया था प्रॉपर्टीज क्या है ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इधर इक्वल टू होता है या फिर होल नंबर मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्योंकि इन पे चार्ज कैसे आता है इलेक्ट्रॉन उखड़ के चले जाता है जब इलेक्ट्रॉन उखड़ के जाता है तो उसका रेसिडुअल ऑपोजिट चार्ज इन पे आता है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उखड़ गया तो इलेक्ट्रॉन के उल्टा चार्ज इन पे आएगा एक से ज्यादा गया है, तो एक से ज्यादा चार्ज आएगा बट होगा कुछ ना कुछ होल नंबर मल्टीपल ठीक है चार्ज जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमेशा रेसिडुअल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के उखड़ना क्योंकि प्रोटॉन तक हम पहुंच नहीं सकते हम अभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसे हम सिर्फ एटम को ऊपर तौर पर स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उखाड़ रहे हैं और उसका इफेक्ट देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसे हम ठीक है हाइड्रोजन गैस वॉज फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब तो पॉजिटिव चार्ज ऑन दॉजिटिव रेज वॉज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जब अपने हाइड्रोजन गैस को आएनाइज किया होगा जब अपने हाइड्रोजन गैस को आएनाइज किया होगा तो इलेक्ट्रॉन उखड़ के गया और जो चार्ज बचा वो बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा एंड मास स्लाइटली लेस देन द हाइड्रोजन एटम अनलाइक कैथोड रेज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज आर कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ गैस इन द ट्यूब ये मैंने पढ़ाई दी गैस की कैरेक्टरिस्टिक होगी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव रेज का जो होगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो स्मॉलर होगा कोई बता सकता है लिखा तो नहीं हुआ नहीं, 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 नहीं लिखा हुआ है यार शिट डिफ्लेक्शन वहां वो जो डिफ्लेक्ट हो रही थी ना जैसे ऐसा करके रास्ता बदल रही थी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही थी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही थी इसका डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो रहा है क्योंकि ये भारी है तो जो भारी चीज होती है ना उससे दौड़ा कम जाता है जितना भारी हो तो कम दौड़ा जाएगा जितना हल्का होगा ना फटाफट दौड़ जाएगा तो भारी होने के कारण इनका डिफ्लेक्शन कैसा था कम था ग्रेटर मास द मास ऑफ पॉजिटिव रेस डिपेंड अपन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ गैसेस भाई गैस पर डिपेंड करता है मास क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फिक्स होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन उखड़ के चला गया तो जो बचा उसका चार्ज और मास फिक्स नहीं है वो गैस पर डिपेंड कर रहा है इसलिए आपकी कैथोड करेस जो है उनकी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टेंट रहती है जबकि एनोड रेस की प्रॉपर्टीज गैस के मुताबिक बदलती है इज इट अंडरस्टूड नॉट इज इट अंडरस्टूड और नॉट ये क्लियर है सबको क्या मैं आगे मूव ऑन कर सकती हूँ और सेशन को भी लाइक कर दो हाई सिमसिम नाम कितना प्यारा है तुम्हारा सिमसिम ठीक है चलो बढ़ते हैं भी मास के कारण तो देखो मैंने अभी भी तुमको बताया था कि अगर हाइड्रोजन को तुम आयनाइज करोगे तो पॉजिटिव रेस कौन है एच प्लस से और कैथोड रेस कौन है रेस कौन? है ऑक्सीजन को तुम आयनाइज करोगे तो पॉजिटिव रेस कौन है ओ प्लस जो कि एच प्लस से भारी होंगी इसका मतलब क्या जो पॉजिटिव रेस है जिनको हम कैनल रेस भी बोलते हैं नोड रेस भी बोलते हैं उनका मास गैस डिपेंडेंट है कैथोड रेज ले दे के फिर वही इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है O2 को आयनाइज करोगे तो ओटू प्लस O2 को आयनाइज करोगे तो O2 प्लस ये कौन है पॉजिटिव रेज 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 एनोड कैनाल कैथोड फिर वही इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन उखाड़ दोगे तो दो इलेक्ट्रॉन से बनेंगे कौन कैथोड रेज ये तो इनका वजन गैस डिपेंडेंट है जो बच गया वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा और चार्ज टू मास इस तरीके से आ जाएगा देखो इसका हाइड्रोजन का चार्ज टू मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन वन ऑक्सीजन का ई e बायटीन क्योंकि ऑक्सीजन का मास सिक्स होता है ऑक्सीजन का मास नंबर होता है आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा टू का ई बाय थर्टी टू एंड ओ फिर ये थर्टी e टू आएगा 16 नहीं आएगा 32 आएगा ठीक है तो ये हमको क्लियर है कंपैरिजन करो जरा पॉजिटिव रेज एंड कैथोड रेज का पॉजिटिव रेज साइन साइन ऑफ चार्ज कैसा रहता है कैथोड रेज में नेगेटिव रहेगा और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होती है कैनल रेज पॉजिटिव आई थिंक मैं तुम्हें लर्न करवा पाई हूँ आई होप मैं लर्न करवा पाई हूँ लर्न हो गया कि नहीं हुआ थैंक यू बिटू मैम पानी पी लो थैंक यू वर्षा लर्न हुआ कि नहीं हुआ <coughs> कैथोड रेस का चार्ज हमेशा माइनस वन रहता है कैल रेस का मोस्टली प्लस वन होता है या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा रेसिडुअल चार्ज होता है ना एक इलेक्ट्रॉन उखड़ेगा तो प्लस वन दो उखड़ेंगे तो प्लस टू विच मल्टीपल ऑफ प्लस वन ठीक है इनकी डेफिनेट वैल्यू होती है इनकी वेरिएबल वैल्यू हो सकती है भाई इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तो हमेशा ही डेफिनेट वैल्यू होती है इसकी वेरिएबल हो सकती है डिपेंड अपॉन आयस एंड मास चार्ज नहीं मास मास की मास तो डिपेंड करेगा ना आय पे और ई e बायम की भी डेफिनेट वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की यानी कैथोड रेस की इनकी अलग होती है तो क्या ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न हो चुकी है साइज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मास ई बोके

उनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर या तो प्रोटॉन्स के नंबर जितना एक आध कोई ज्यादा कम होता होगा है ना न्यूट्रॉन्स का नंबर जैसे कार्बन है कार्बन में छह प्रोटॉन होते हैं तो न्यूट्रॉन भी उसके आइसोटोप्स में तो छे होते हैं या सात होते हैं आठ होते हैं ज्यादा नहीं होंगे और एक आद का फर्क होता है लेकिन जैसे जैसे हम हैवी मेटल्स की तरफ जाते हैं जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ चल जाओ इनर ट्रांजिशन की तरफ चल जाओ जिनके अटोमिक नंबर साठ सत्तर अस्सी होते हैं उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत बहुत बढ़ जाती है न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है दट इंक्रीज लॉट एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉस ऑब्जर्व किसने किया मुझे ऑब्जर्व है ना यस तो सेशन को एक बार लाइक भी कर दो यार है ना क्यों होगा बेटा न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जो कि सेम चार्ज प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटॉन्स पे सेम चार्ज होता है जाहिर है न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है न्यूक्लियस के दड़बे में प्रोटॉन पैक्ड है सब में सेम चार्ज है तो यार एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल भी तो करेंगे ठीक है अब रिपल करेंगे तो इनके रिपल्जन को संभाले रखने के लिए यार उग्रवादी आपस में लड़ेंगे तो कोई लोग ना घर के अंदर दो लोग हैं वो बहुत लड़ते हैं आपस में तो कोई ऐसे लोग होते हैं ना जो उनको स्टेबल करते हैं समझाइश करते हैं न्यूट्रल नेचर के होते हैं हैं उनको कहते है, रे हो जाओ तो न्यूट्रॉन्स का तुम आगे स्टडीज करोगे फ्यूचर में तो तुमको पता लगे कि न्यूट्रॉन्स का वो समझाइश वाला रोल होता है कि सिमिलरली सेमिल, चार्ज प्रोटॉन्स जो उग्रवादी उग्रवादी में किसको बोल रही हूँ लड़ाकुओं को लड़ाकू में किसको बोल रही रू प्रोटॉन को बोलू क्यों बोल रही हूँ क्योंकि सेम चार्ज है वो रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस के दड़बे में पैक है वो तो सेम चार्ज एक दूसरे से झगड़ेगा तो जब प्रोटॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हैंवी एलिमेंट्स में तो उनको संभालने के लिए ज्यादा न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है इसीलिए जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस का वजन ज्यादा होता है और उनमें प्रोटॉन्स की करते न्यूट्रॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ठीक है तो न्यूट्रॉन्स किसने न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था चार्टविक ने एक बार ही पढ़ लेते हैं कोई काम की बात हो तो हम निकाल लेते हैं इसमें से देखो द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आइन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन आटम जिसको हम प्रोटोन बोलते हैं प्रोटोन का जो पॉजिटिव पार्टिकल वो सबसे छोटा था ठीक है

अगर हम आ, मास की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में वैसे सिमिलर से होते हैं बट बहुत तुम देखो स्लाइटली डिफरेंस है सिक्स सेवन टू सिक्स टू सिक्स सेवन फोर ये आगे ना दादा तो बहुत स्लाइटली पता होना चाहिए जे एस्परिंट तुमको कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का सा हल्का सा भारी होता है मैं पूछूंगी अभी कि कौन भारी होता है कौन डेविएट होता है कौन डेवियेट नहीं होता किस कौन सी रेज जो है वो मटेरियल से स्पेसिफिक होती है कौन सी नहीं होती ये सब अभी मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लेने वाली हूँ बॉक्स में तो न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है ठीक है? तो उसका ये जो मास है न्यू, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन रद्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल रदरफोर्ड ने ये प्रिडिक्ट की थी एक्सिस्टेंस ऑफ अ न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल और बढ़ते हैं आगे रेडिएशन हाईली पेनिट्रेटिंग होती है न्यूट्रॉन्स की रेडिएशन अनफेक्टेड होती है बाय मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इनपे चार्जेस नहीं होता तो ये रेडिएशन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से एफेक्ट नहीं होती इट वाज फाउंड टू हैव अप्रोसीटली द सेम मास्रॉक्सिमेटली नॉट एक्जैक्टली कौन भारी होता है न्यूट्रॉन भारी होता है अप्रॉक्सीमेटली

आंसर वेरी गुड आनंद आदित्य प्रेम कुमार आस्था फरद खान इंशा वेरी गुड तो इसका नाम है केनाल रेस शाबाश एक छोटा सा टेस्ट ले रही हुई है ना छोटे सा बीच में कुछ ओरल क्वेश्चन है कुछ एमसीक्यूज क्यूज है तो आप अपने आपका अपने आपको रेट करिएगा आज की क्लास में कितना पर्सेंट समझ में आया Which of the following gases do not have neutron in the nucleus of their atoms? Hmm. Quickly

इनमें से कौन सा जो कैथोड के लिए सही नहीं है देखो आदर्श ने आनंद ने महेश कुमार ने गौरव ने आदित्य जैन ने वर्षा ने वर्षा नहीं वर्षा बेटा तू गलत बता रही है बेटा तू पिछले वाले का आंसर बता रही है मोहन लवली आदित्य तिवारी ऋतिक राजपूत वेरी गुड यहाँ पे ये सही नहीं है कैथोड्रेस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सही है कैथोड्रेस वो डिस्कवर्ड बे जेजू थॉमसन सही है नेचर ऑफ कैथोड्रेस डिपेंड नेचर ऑफ गैस नो नेचर ऑफ कैथोड्रेस डिपेंड नहीं करते नेचर ऑफ एनोड्रेस डिपेंड करते हैं कैथोड्रेज ऑफ प्रोड्यूज इन साइड द डिस्चार्ज टू गेस तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो सही है ये बताओ कैनाल रेज लेट टू द डिस्कवरी ऑफ विद सबेटोमिक पार्टिकल्स कैनाल रेज लेट टू द डिस्कवरी ऑफ विच सबेटोमिक पार्टिकल्स Quickly, quickly, quickly. Canal से कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी का पता लगा था वेरी गुड वेरी गुड प्रोटॉन का पता लगा था केनाल रेस से अच्छा ठीक है अब मुझे ये बताओ अब मॉडल ऑफ एटम्स को आगे बढ़ाने का समय आ गया है तो शुड बी डू इट इन द नेक्स्ट क्लास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं ठीक है थॉमसन एंड रदरफोर्ड को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस का तुम जवाब दे दो बहुत मजे के मॉडल्स हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन ने इतना मजे से कभी नहीं पढ़ा होगा जितना आप पढ़ने वाले हैं ये मैं तुम्हें कमिट करती हूँ ठीक है बहुत मजा आने वाला है इन मॉडल्स में प्रोसीड uh, करेंगे नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक मॉडल्स के साथ में तो अब मुझे आप ये बताओ कि कौन सी रेज है जो कि मैग्नेटिक uh, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं कौन सी रेज है जो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं कौन सी रेज है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं कैथोड रेज सोमेश पाटिल इज द फर्स्ट वन टू आंसर कैथोड रेज वेरी गुड कब है नेक्स्ट क्लास ये ऑल्टरनेट डेज होती है ना बट इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ एंड हमारी मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लास होती है तो आज वेंसडे तो अगली क्लास होगी फ्राइडे फ्राइडे को मॉडल्स पे काम करेंगे कौन से वाले मॉडल थॉम्सन मॉडल राधा फोर्ड मॉडल बोर मॉडल ठीक है अच्छा अब मुझे आप ये बताओ ये तो बात समझ में आ गई अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी रेज है जो कि गैस के नेचर पर डिपेंड करती गैस के नेचर पे डिपेंड करती है कौन सी ऐसी रेज है जो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चंद्रकांत मेहता अच्छा आर्यन पाटनी ने सबसे पहले दिया था सॉरी बेटा आई मिस्ड एनोड रेज जिसको आप एनोड रेज बोल सकते हो चैनल रेज बोल सकते हो कैनाल रेज बोल सकते हो पॉजिटिव रेज बोल सकते हो है ना तो ये डिपेंड करती हैं अच्छा अभी मुझे ये बताओ कि क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक बिल्कुल बराबर मास के होते हैं यस और नो और अगर नहीं तो कौन भारी होता है हाँ मतलब मेरा को हाँ नमन सिंह सही बोल रहा है डिविएट तो दोनों ही करती हैं डिविएट तो दोनों ही करती है मतलब बेसिकली तो न्यूट्रॉन डिविएट नहीं करते हैं लेकिन ज्यादा डिविएट जो है ना

न्यूट्रॉन इज हेवियर इज स्लाइटली ठीक है कैथोड रेज रेज और कैनाल दोनों करती हैं लेकिन कैथोड रेज ज्यादा डिवाइड करती है क्योंकि वो हल्की होती है और एनोड रेज कम डिवेट करती है क्योंकि वो स्लाइटली भारी होती है प्लीज 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 करेक्टेट है ना प्लीज करेक्टेट ठीक है न्यूट्रॉन हैज मोर वेट एक्जैक्टली इसका वेट वन होता है प्रोटोन का न्यूट्रॉन का काट होता है ठीक है तो अब बाकी का पढ़ेंगे में, को, हम में करेंगे. Uh, हमारी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की क्लासेस का शेड्यूल है जो Monday, में 12, uh, पढ़ाती हूँ आइए रेगुलर आइए ठीक है मैं आपको इस बात का वादा करती हूँ कि आपकी केमिस्ट्री डेफिनेटली इंप्रूव होगी एंड मन लगेगा आपका पढ़ने में ठीक है शेड्यूल बारह से साढ़े तीन का चलता है और उन बच्चों से हमको जोड़िए बेटा जो कि बहुत हाई कोचिंग वगैरह और ये जो बहुत फ़ीस ज़्यादा है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ अन अकेडमी जेई चैनल पे प्रॉपर जेई कोचिंग चलाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तो अगर आप उन बच्चों से हमको जोड़ सकते हैं जिनको ज़रूरत है हमारी और जिनके जो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते बहुत ज़्यादा फीस वगैरह तो मैं मतलब मैं और मेरी पूरी टीम आपके प्रति बहुत थैंकफुल होंगे अगर आप हमें ऐसे बच्चों से स्पेशली कनेक्ट कर देंगे जिनको हमारी ज़रूरत है ठीक है तो यहाँ पे इलेवेंथ का शेड्यूल हमारा चलता है मंडे वेंसडे फ्राइडे और ट्वेल्थ का चलता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये रेगुलर चलेगा अगर आप रेगुलर आने लग जाओगे तो हमको भी आपसे कनेक्शन लगेगा और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई हम कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि एक कनेक्शन बहुत अच्छा हम लोगों का होने वाला है और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलेंगी कहीं आपको कोई फॉल्ट नहीं नज़र आएगा कहीं कोई छुट्टी आनी नजर आएंगी आपको दिखेगा कि हाँ बहुत रेगुलर बेसिस पे चैप्टर दर चैप्टर चीजें खत्म हो रही हैं बहुत डिसिप्लिन के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी मच मोर डिसिप्लिन विच यू कैन फाइंड एनी ठीक है बढ़ते हैं आगे टाइनी वर्ल डॉट कॉम स्लैश प्ले जेई पर आपको जुड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा है बहुत सारे पीडीएफ वगैरह एकदम प्यारे से अरेज्ड है तो आपको मिल जाएंगे तो इस पर आप रहिए आपको बहुत फायदा होने वाला है अन अकेडमी जे पब्लिक चैनल पर भी आपको जुड़ना है क्योंकि दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड यू एंड सेकंड वे ऑफ कम्युनिकेशन इज चैट बॉक्स आई मीन कॉमेंट बॉक्स मतलब जब ये वीडियो मैं चली जाती हूँ ये वीडियो ओवर हो जाता है तो एक कॉमेंट सेक्शन आता है तो वहाँ पर आप जो भी कॉमेंट पढ़ते हैं बेटा वो मेरी आदत है मैं अपने बच्चों के कॉमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ आई ट्रीटेड की जैसे बच्चों ने कोई व्हाट्सअप मैसेज भेजा हो तो मैं उन सारे कॉमेंट्स को पढ़ता हूँ मुझसे कुछ भी कहना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो तो मैं उसको पढ़ लूंगी ठीक है मूविंग अहेड इनमें मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ प्लीज़ मेहनत कीजिए और बहुत पीसफुली मेहनत कीजिए

कितने वाली बात हो रही है ये फटाफट से देख दोनों कम से कम फोर हंड्रेड लाइक्स कर दो सेशन खत्म होने से पहले पहले फिर मैं आपको ये बता दूं कि प्लस में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म को देखो यहाँ यूट्यूब पे फ्री सेशन चलते हैं प्लस में फिर दो दो घंटे की क्लासेस चलती है जिसमें प्रॉपर आपको डीपीपीज मिलेंगी डीपीपीज डिस्कस होंगी टू आवर्स में आप जानते हैं कि कितना इफेक्टिवली लेक्चर आगे बढ़ता है और बहुत सिस्टमैटिकली चलता है तो जो बच्चे प्लस अफोर्ड कर सकते हैं मैं ये कहूंगी कि जितने ऑफलाइन कोचिंग में फीस लगती है उससे मच लोअर फीस में मतलब पेरेंट्स की पॉकेट पर बिना प्रेशर डाले बहुत नॉमिनल फीस में बहुत टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो इंडिया की नंबर वन टीम हमारे प्लस पे पढ़ाती है और दूसरी बात जब आप ऑफलाइन में जाते हो तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत लोअर बैचेस दिए जाते हैं लोअर बैचेस में आपको बहुत अच्छा मतलब आप जिनसे पढ़ना चाहते हो टीचर्स आप सिलेक्ट नहीं करोगे आपके वहीं से से तो कहेंगे कि ये टीचर है तो नहीं पे आपका हक बनता है कि आप ये चुने आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हैं ऐसे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना से रांक वन, रांक रांक कर रखे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं और अगर आप ऐसे टीचर से पढ़ना चाहते हैं जिससे आपको समझ में अच्छा आता है कनेक्शन अच्छा यू आर फ्री टू चूज यार ऑफलाइन में बच्चे फीस भरते हैं ढाई लाख और फिर उन्हें वो टीचर से पढ़ने ही नहीं मिलता जिनसे वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि लोअर बैचेस में रह जाते हैं और फिर वो उसका वो साइकिल चलती है क्योंकि आप उनसे नहीं पढ़ पाते हो जिनसे आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट आता है और क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट आती है आपके बैचेस गिरते जाते हैं मतलब आप लोअर 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 होते जाओगे हो तो वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेंगी यहाँ बेस्ट टीचर्स से घर बैठे पढ़ सकते हो ट्रैवल का टाइम वेस्ट किए ट्रैवल का कॉस्टिंग वेस्ट किए बहुत नॉमिनल चार्जेस में लाइव डाउट सॉल्विंग प्रॉपर डी मिलती हैं डी डिस्कस होती हैं सब चीज़ें योद्धा एंड यलगार बैचेज में हम खुद पढ़ा रहे हैं योद्धा आपका जो बैच है यलगार बैच जो है वो दो साल का है और योद्धा एक

कोड यूज करके एडिशनल ऑफ भी मिल जाएगा और सेवन डेज फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन भी हैं विद एक्सक्लूसिव प्लान्स एंड मॉक टेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन जून थर्टीन टू नाइन जिसमें सात जेई के मॉक टेस्ट होंगे सातों दिन ये जरूर देने अगर ट्वेंटी ट्वेंटी टू के एस्पिरेंट है तो टॉप थ्री हंड्रेड रैंकर्स जो है उनको एक्सेस मिलेगी सारे जेई एडवांस बैचेस के लिए भी टॉप फाइव परसेंट रैंकर्स विल गेट अपू नाइन परसेंट स्कॉलरशिप यू कैन यूज ओ कोड उड़ान दिसन आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा पर्सनल कोच मिलता है आपको एक बंदा मिल जाता है जो कि आपके कोई भी अपड डाउन में स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी मदद करेगा एंड एक तरीके से वो आपका काउंसलर होगा तो वो मिलेगा प्लस रेज हैंड ऑप्शन में आपको प्रायोरिटी मिलेगी प्लस आपके पास प्रिंटेड मटीरियल भी आएंगे ठीक है उड़ान के थ्रू आप दोनों तरीके के सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हो